नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं जीटी हिंदी और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे पांच फ्री वीपीएन सर्विसेज के बारे में जो आप अपने एंड्रॉयड फोन्स पे यूज कर सकते हैं। अब आप में से बहुतों को पता होगा कि वीपीएन क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वीपीएन माने दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये सर्विस क्या करती है, जैसे कि समझ लीजिए कि आप जब अपने फ़ोन पे ब्राउज करते हैं बिना किसी वीपीएन सर्विस के, तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो इंडियन आईपी एड्रेस होता है। अगर आप इंडिया से ब्राउज कर रहे हैं तो जब आप किसी भी सर्विस पे जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है, ये आदमी इंडिया से ब्राउज कर रहा है और हम जो अपने कंटेंट देंगे उसको उसी हिसाब से देंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ यूएस या यूके में लॉन्च होती है। स्पॉटिफाई देख लीजिए, आज तक इंडिया में नहीं आया। नेटफ्लिक्स भी अभी थोड़े दिन पहले ही आया था। तो जब आपको अगर ये सब सर्विसेज अपने फ़ोन में देखनी है, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ़ोन में वीपीएन सर्विस इंस्टॉल करें और कोई यूएस आईपी या फिर कोई कैनेडा आईपी से आप उन सर्विसेज का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अब जब ये क्लियर हो गया है कि वीपीएन सर्विसेज क्यों चाहिए होती है, तो नज़र डालते हैं उन पांच फ्री वीपीएन ऐप्स जो कि आप अपने एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐप का नाम है दोस्तों बेटरनेट। अब ये एक फ्री और प्रीमियम बेस्ड सब्सक्रिप्शन में आता है। इसका फ्री वर्जन कम्प्लीटली फ्री है, थोड़े बहुत आपको एड्स दिखते हैं दोस्तों जो डेवलपर का सपोर्ट और उन सर्वर्स को सपोर्ट करने में काम आते हैं जिसके ज़रिए आपको वीपीएन की सर्विसेज मिल रही हैं। अब जो फ्री वर्जन है उसमें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको यूएस चाहिए या कनाडा चाहिए, सिंगापुर एज अ सर्वर चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट सर्वर एलोकेट कर देगा। तो बहुत टाइम तो ऐसा ही होता है कि मुझे यूएस या कनाडा ही मिलता है या यूके भी मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सिंगापुर इन सब के सर्वर्स पे भी कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे में आपको बस वापस से उस ऐप को डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करना है, क्योंकि लोड बैलेंसर्स होते हैं दोस्तों इनके सर्वर्स पे, वो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट सर्वर पे कनेक्ट करते हैं। तो ट्राई योर लक है, फ्री है तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए कि आप कोई अपने डेडिकेटेड सर्वर्स पे कनेक्ट करें आगे जा करके, तो आप उनका प्रीमियम वर्जन भी खरीद सकते हैं। लिस्ट में जो दूसरे वीपीएन सर्विस का नाम है वो है फिंच वीपीएन। अब ये भी एक फ्री सर्विस है और आपको 3 GB इसमें महीने का डेटा फ्री में मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आपका काम 3 GB या उससे कम में हो जाएगा, तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सर्वर चाहिए, यूएसए चाहिए, कनाडा चाहिए, यूके चाहिए, और जो इनका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, उसमें एड्स भी बोले तो एकदम ना के बराबर है। तो बस और बस आपको अपना जो डेटा यूसेज है वीपीएन का उसको 3 GB से नीचे रखना पड़ेगा इसकी फ्री सर्विसेज का आनंद उठाने के लिए। दोस्तों, जो लिस्ट में तीसरा नाम है वो है वीपीएन सर्विसेज फ्री एंड अनलिमिटेड का। अब चूंकि ये फ्री और अनलिमिटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप सर्वर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सर्वर पे कनेक्ट होना है, और डेटा का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर हाँ जो आपको स्पीड मिलेगी वो इतनी ऑप्टिमल नहीं होगी। तो समझ लीजिए अगर आपके घर का प्लान अगर 10 Mbps भी है तो आपको इसमें सिर्फ या 2 या 3 Mbps की ही स्पीड मिलेगी। अब इनके इंटरफेस में भी दोस्तों आपको थोड़े बहुत एड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टिव एकदम नहीं है, और ये एड्स एक्चुअली ज़रूरी होते हैं बिकॉज उन वीपीएन सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए पैसे लगते हैं और इन एड्स के जरिए डेवलपर्स वो जो इनकम है उसको उठाते हैं। बढ़ते हम चौथे फ्री वीपीएन सर्विसेज की तरफ और उसका नाम है टनल बेयर। अब ये सर्विस पहले सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए थी, लेकिन अब इन्होंने अपना एंड्रॉयड वर्जन भी लॉन्च किया है। तो इसमें आपको महीने के 500 MB फ्री मिल जाते हैं किसी भी अकाउंट में, मगर अगर आप टनल बेयर के बारे में ट्वीट करते हैं तो आपको 1 GB एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो तकरीबन आप 1.5 GB एक महीने में यूज़ कर सकते हैं। अब जब बात आती है दोस्तों सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एड फ्री इंटरफेस में, तो टनल बेयर को कोई डिफीट नहीं कर सकता। ये जानी जाती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए, और जब भी आप टनल बेयर से ब्राउज भी कर रहे हैं तो फ्री अकाउंट में भी आपको स्पीड ड्रॉप इतनी नहीं मिलेगी। इसकी और एक अच्छी खास बात है कि जो इनका जो प्रीमियम प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड प्लान्स भी आते हैं और जो थोड़े से सस्ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वीपीएन सर्विसेज और ज़्यादा देर के लिए यूज़ करें, अगर आपको 1.5 GB से ज़्यादा डेटा चाहिए, तो आप इनके प्रीमियम प्लान्स को भी देख सकते हैं। पांचवा ऐप दोस्तों जो है उसका नाम है हॉटस्पॉट शील्ड। अब दूसरे वीपीएन सर्विसेज क्या करते हैं कि वो आपके बैकग्राउंड में एक वीपीएन सर्विस रन कर देंगे, और अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए वो बैकग्राउंड में रन होंगे। हॉटस्पॉट शील्ड में दोस्तों एक फीचर है जिसके जरिए आप किसी एक ऐप को मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं कि जैसे ही वो लॉन्च हो
तब आपके बैकग्राउंड में VPN सर्विसेज चले। तो समझ लीजिए दोस्तों, कोई ऐप है Spotify एज एन एग्जांपल ले लीजिए, और आपको चाहिए कि सिर्फ जब Spotify रन हो तब आपका VPN काम करे, नहीं तो आपका VPN बैकग्राउंड में शट डाउन रहे जिससे आपको ऑप्टिमल इंटरनेट स्पीड मिलती रहे। तो वो फीचर आपको इस ऐप के जरिए मिल जाएगा। अब इस ऐप में भी दोस्तों थोड़े बहुत आपको एड्स मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस फ्री वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 VPN सर्विसेज जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो को एंड करूँगा, उससे पहले मेरे को दो बातें बोलनी है। सबसे पहली बात है ये दोस्तों कि अगर आप कोई VPN सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, तभी आप फ्री VPN सर्विसेज यूज़ करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइवेसी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिले, तो आपको पेड VPN सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए, जो इंटरनेट प्राइवेसी होती है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, एक ऐप है जिसका नाम है होला, और वो भी आपको आप उसमें प्ले स्टोर या नेटफ्लिक्स ये सब देख सकते हैं, मगर प्लीज़ होला जो ऐप है उसको अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उसको अभी अनइंस्टॉल करिए, और आगे जाकर भी उसको यूज़ मत करिएगा। होला क्या करता है दोस्तों कि आपके खुद के फ़ोन को वो एक VPN का सर्वर बना देता है। अब समझ लीजिए कि US में अगर किसी को कनेक्ट करना है इंडियन IP एड्रेस में, तो शायद वो आपके फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमें थम्सअप दीजिएगा, और हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें जब हम देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें यही काम करते रहना है। तो दोस्तों, यही सोच रखते हुए आपसे अगले वीडियो में मिलने की आशा करता हूँ। नमस्कार।